तो गाइस आखिरकार यूट्यूब ने मुझे इस तरह का मेल भेज ही दिया। वेलकम टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मुझे अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी है ये मुझे आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी मेरी ही तरह एक यूट्यूबर हो। तो आप लोगों को यह अच्छे से पता होगा कि अभी के टाइम में एक YouTube चैनल को मोनेटाइज करने में अभी यहाँ पर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको और मुझे पता है कि अगर आप अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो लास्ट 12 मंथ्स में आपको अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा, तभी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स एंड लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज आपको कंप्लीट करना होगा, तब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो गाइज इतना तो हमें पहले से ही पता था, पर आज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यार अभी नहीं तो कभी न कभी तो आप अपना YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आप भूल कर भी ये सारी मिस्टेक को मत करना, वरना फिर क्यों ना आप दिन रात एक करके अपने YouTube चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम पूरा कर लोगे, लेकिन फिर भी आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन में रिजेक्ट हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? एंड आई इग्नोर ऑल दिस मिस्टेक। मैंने अपने चैनल को सिर्फ 9 डेज में ही मोनेटाइज कर लिया। अरे बाबा! 17 में 1:30 AM को मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और ठीक 9 दिन बाद मेरा चैनल 24 मई को सक्सेसफुली मोनेटाइज हो चुका था। क्यों हिला डाला ना? यस गाइस, मेरे चैनल के मोनेटाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, और मैं ये गारंटी देकर कहता हूँ कि आपके चैनल के मोनेटाइजेशन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो एंड तक जरूर देखना होगा। तो चलो अब मैं आपको परफेक्ट तरीके से YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने का सही तरीका दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपने YouTube चैनल को सिर्फ 9 दिन में ही मोनेटाइज कर लिया। और हाँ गाइस, बहुत सारे न्यू अपडेट्स आ चुके हैं, कई सारे 2024 में ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो चलो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो जब तुम्हारे चैनल पर लास्ट 12 मंथ में 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम या फिर 1K सब्सक्राइबर्स एंड लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो जाए, तब आपको यहाँ पर नीचे अर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन शो होगा। तो गाइज इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 3 स्टेप्स शो हो जाएंगे, जिसमें ये दूसरा एंड तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें एक छोटी सी गलती से आपके चैनल के मोनेटाइजेशन में महीने तक का डिले हो सकता है या फिर आपका चैनल रिजेक्ट ही हो जाए। ओके, तो ध्यान से देखना। तो ये जो पहला स्टेप दिख रहा है रिव्यू बेस्ड टर्म्स, तो इसको बस स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पर टिक करके नीचे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका ये पहला स्टेप डन हो जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट होता है दूसरा स्टेप साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पर इसका जवाब देना होगा कि हमारे पास पहले से ही कोई एडसेंस अकाउंट है या फिर नया बनाने का है। और हाँ, अगर आपने कभी पहले गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया है तो गलती से भी न्यू मत बना लेना, वरना आपका ये दूसरा स्टेप रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक एड्रेस एंड आईडी पर पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट बनता है। ओके, तो गाइस हमको तो न्यू अकाउंट बनाना है, क्योंकि मैंने तो कभी भी पहले एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया। तो फिर हम ये सेकंड वाले नो पर क्लिक करेंगे कि नो आई नीड टू क्रिएट वन। और अब हमें यहाँ पर एक ईमेल अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर ना काफी सारे लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि जिस ईमेल आईडी से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उसी ईमेल आईडी से वो लोग यहाँ पर एडसेंस अकाउंट बना देते हैं। तो मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बाय चांस भगवान न करे फ्यूचर में किसी कारणवश आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है, तो फिर आप अपने एडसेंस
एडसेंस अकाउंट से भी हाथ धो बैठोगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप एडसेंस अकाउंट के लिए एक न्यू फ्रेश ईमेल आईडी बना लेना। ओके, तो अब हम यहाँ पर अपनी न्यू ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे और अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपके यूट्यूब का यूआरएल पहले से ही पेस्ट होगा, तो इसका टेंशन खत्म। और दूसरे ऑप्शन में आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपकी जो भी है वो आप कर देना। और इसके बाद हमारे सामने ये एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन का एग्रीमेंट सामने आ जाएगा, तो इसको हमें नीचे स्क्रॉल करना है। आप चाहो तो इसे पढ़ लेना, वो आपकी मर्जी। अब हम इस बॉक्स के अंदर टिक करके नीचे सेटअप अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और अब हमें यहाँ पर अकाउंट टाइप पर इंडिविजुअल ही सिलेक्ट कर देना है। और अब नीचे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भूल कर भी आप अपना चैनल का नाम मत डालना, आप अपना रियल नेम डालना या फिर जिसका भी बैंक अकाउंट ऐड करने वाले हो उसका नेम डालना। तो अब गाइस यहाँ पर आपको अपना सिटी, एड्रेस, टाउन, फोन नंबर, पिन कोड सब कुछ यहाँ पर अपना फिल करेगा तुम्हारे YT स्टूडियो में। और अब यहाँ पर सो होगा इन प्रोग्रेस, तो अब तुमको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है इंतजार। और अब एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ दिन भी लग सकते हैं और कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। पर्सनली मुझे मेरा एडसेंस अप्रूव होने में पूरे 8 दिन लगे थे। और ये एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने के बाद नीचे का तीसरा स्टेप खुद से ही रिव्यू पे चला जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको अप्रूव होने में महीने तक का समय लग सकता है, पर इतना टाइम नहीं लगता है बे। मेरा दोपहर के टाइम एडसेंस अप्रूव हुआ और उसी दिन शाम को लगभग 5:30 बजे मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन भी अप्रूव हो चुका था। और इसका रीजन ये हो सकता है कि मेरी चैनल पर बहुत ही कम वीडियोस अपलोड की गई है, तो रिव्यूअर को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे चैनल को रिव्यू करने में। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका चैनल एडसेंस या फिर मोनेटाइजेशन में रिजेक्ट हो जाए। एक, अगर आपके पास पहले से ही कोई एडसेंस अकाउंट है तो दूसरा एडसेंस अकाउंट मत बनाना। सेकेंड, एडसेंस अप्लाई करने के बाद गूगल पर एडसेंस अकाउंट लॉगिन करके उसमें कोई भी छेड़खानी मत करना। थर्ड, जब तुम्हारा चैनल रिव्यू पर जाता है तो उसमें चैनल रिव्यूअर तुम्हारी कुछ चीजें चेक करता है। फर्स्ट, मेन थीम, हमारा चैनल किस कैटेगरी पर बेस्ड है। सेकेंड, मोस्ट व्यूएड वीडियोस, न्यूएस्ट वीडियोस, बिगेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ वॉच टाइम, मतलब कि तुम्हारे वीडियो पर सबसे ज्यादा वॉच टाइम कहाँ से आया है। वीडियो मेटा डेटा इंक्लूडिंग टाइटल्स, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब कि कहीं तुमने टाइटल में कुछ और, थंबनेल में कुछ और डिस्क्रिप्शन में कुछ और वीडियो में कुछ और नहीं डाला है ना। और अगर आपने ऐसा किया है तो अप्लाई करने से पहले ही आप अपनी सारी गलतियों को सुधार लो। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि YouTube ने यहाँ पर एक और न्यू अपडेट ला चुका है। यहाँ पर अब YouTube ने एक और ऑप्शन ऐड कर दिया है और आपको ये रूल फॉलो करना ही होगा वरना आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो न्यू जो ऑप्शन ऐड हुआ है वो ये है, चैनल्स अबाउट सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपके जो चैनल का अबाउट सेक्शन है, अब आपको इस अबाउट सेक्शन में भी आपके चैनल के बारे में बिल्कुल डिटेल में मेंशन करना होगा क्योंकि अब YouTube इसको भी चेक करेगा। जैसे कि आप मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन देखो, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से अपने चैनल के रिलेटेड बिल्कुल अच्छे से अपने चैनल के बारे में पूरे डिटेल में मेंशन करना है। अब चाहे आप इंग्लिश में करो या फिर हिंदी में करो, लेकिन आपको यहाँ पर अपने चैनल की मेन थीम मेंशन करनी ही होगी। ओके, अब फोर्थ मिस्टेक, तुम्हारे चैनल पर कोई भी स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर तुम्हारा चैनल रिव्यू पर है और तुम्हारे चैनल पर उसी टाइम पर कोई अचानक स्ट्राइक आ जाती है तो बेशक तुम्हारा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर तुमने किसी और की वीडियो को अपने चैनल पर डाल रखा है तो पहले ही तुम अपने चैनल से वो सारी वीडियोस को रिमूव कर दो। ओके, तो गाइस अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। और हाँ, थैंक यू वेरी मच गाइस।